सब्सक्राइब कीजिए दैनिक इंडिया दर्पण चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आईडी टीवी प्रेजेंट भाग्य बोलता है, भाग्य बोलता है, आपके तारे बोलते हैं, आपका भाग्य बोलता है, आज क्या कह रहा है आपका राशिफल सुनिए। मेष राशि, कला एवं संगीत में रुचि हो सकती है, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम रहेगा। वृषभ राशि, आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, लेकिन अति उत्साही होने से बचें, बातचीत में संतुलित रहें, भाइयों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मिथुन राशि, मानसिक परेशानियों में कुछ कमी आ सकती है, फिर भी बातचीत में संतुलित रहें, धन की स्थिति अभी संतोषजनक रहेगी, वाहन सुख भी मिलेगा। कर्क राशि, धैर्यशीलता में कमी रहेगी, मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवारजन के साथ आज आनंद पूर्वक समय बिताएंगे। सिंह राशि, मानसिक शांति तो रहेगी परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी, नौकरी में इच्छा विरुद्ध कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, क्रोध पर संयम रखें, स्नेहीजनों और मित्रों के साथ भेंट होगी। कन्या राशि, कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, वस्त्रों एवं गहनों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं, माता पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। तुला राशि, आत्म संयत रहें, क्रोध के अतिरेक से बचें, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, रहन सहन में सहजता रहेगी, प्रत्येक कार्य सफलता लेकर आएगा। वृश्चिक राशि, मानसिक शांति रहेगी, पाठन में रुचि बढ़ेगी, शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सार्थक परिणाम मिलेंगे, रहन सहन में असहज रहेंगे, आप निर्धारित कार्यों को आज संपन्न कर सकेंगे। धनु राशि, मन अशांत रहेगा, क्रोध के अतिरेक से बचें, आत्मविश्वास में कमी आएगी, पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, व्यावसायिक कार्यों में विघ्न उपस्थित होंगे। मकर राशि, क्रोध की अधिकता रहेगी, व्यर्थ के विवाद एवं झगड़ों से बचें, धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा, कार्य की स्थिति में सुधार होगा, उनके साथ प्रवास का आयोजन भी बन सकता है। कुंभ राशि, व्यवसायिक क्षेत्र में आपके लिए आज लाभदायी दिन है, मित्रों के साथ भेंट होने से मन में आनंद छाया रहेगा, नए कार्य आपके लिए लाभदायी रहेंगे। मीन राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, आत्म संयत रहें, माता पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार में वातावरण आनंदमय रहेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।